इस वीडियो में आपको क्या दिखाऊंगा, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी दिखा। पिक्चर क्वालिटी हम लोग डे एंड नाइट दोनों में कंपेयर करेंगे, दोनों में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सेम एंगल से दोस्तों दिन को देखेंगे और उसी एंगल से नाइट में भी देखेंगे और क्या डिफरेंस आता है उसको जानेंगे। इसका कलर रिविजन कैसा आ रहा है वो देखेंगे, लाइटिंग कितना ज्यादा ये देता है, एक एक करके मैं सारी चीजों को आपको दिखाऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल टैग स्पैरो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिटी। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अभी अपने छत के ऊपर, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैमरा हमने लटका रखा है, यहाँ पे कैमरा भाई साहब लटके हुए हैं। तो देखिए ये जो व्यू अभी आप देख रहे हैं ये मेरे मोबाइल कैमरे का है, और ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये अभी दिखा रहा है आपको, अभी सही से नहीं दिख रहा होगा पर मैंने इसका जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आपको क्वालिटी बेटर समझ में आएगा। बिल्डिंग बहुत ही क्लियर आपको देखने मिल रहा होगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और ये जो अभी HD के अंदर क्वालिटी है, यानी ये HD में नहीं है, तो यहाँ मैंने HD पे इसे शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद ये डाटा ज़्यादा कंज्यूम करता है, और यहाँ पे एक एक्टिविटी हो रही है, एक आदमी जा रहे हैं, पता नहीं चल पाएगा कि ये कौन से व्यक्ति हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जा रहे हैं, तो इनका जो क्लियर इमेज हमें नहीं मिल पा रहा, पूरा ब्लर हो जा रहा है। तो ये अभी 4th फ्लोर के ऊपर हमने लगा रखा है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ डॉग वगैरह घूम रहे हैं, तो कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है। अगर जूम आउट करके देखते हैं तो काफ़ी क्लियर एरिया नज़र आता है, बट जूम इन करने के बाद जो क्लियरिटी है वो उतनी खास नहीं है। तो अभी हमने आपको दिन का फुटेज दिखाया है सेम एंगल से, सेम जगह पे हम लोग नाइट को भी शूट करके एक बार देखेंगे कि इसके अंदर जो फ्लूड लाइट दिया गया है आखिर उसके अंदर क्लियरिटी कैसे मिलती है। मेन तो मकसद इसकी क्लियरिटी को ही देखना है, क्योंकि इसके अंदर अगर फ्लूड लाइट लगाया गया है तो उसका पर्पज, उसका मकसद क्या है वो देखना। और 4 MP के हिसाब से जो क्वालिटी मुझे देखने को मिल रही है वो मैं बोलूँगा ओके है, क्योंकि 4th-5th फ्लोर के ऊपर से मैं ये फुटेज ले रहा हूँ, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है 4 MP के कैमरे के अंदर इस तरह का क्लियरिटी को लेना। और एक बार मैं आपको थोड़ा सा लोकल भी क्लियरिटी दिखा देता हूँ, तो एक बार हम लोग इसे जस्ट अपने अंदर की तरफ घुमा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने कैमरे को रख दिया है, और अब हम लोग देखेंगे कि सामने से व्यूज़ कैसा मिलता है इस कैमरे का। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं मैं लगभग इससे ज़्यादा दूरी नहीं बोलूँगा, 12 फीट की दूरी पर खड़ा हूँ, और जो यहाँ पे चेहरा का है, मैं एक बार कैप हटाता हूँ क्योंकि कैप की वजह से थोड़ा चेहरे पे शैडो बन रहा था। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया हुआ है, सेम ये फुटेज अभी मैं ले रहा हूँ, कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। इससे आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि हाँ कुछ खास नहीं है जैसा मैं सोच रहा था कि क्लियरिटी होगा, उस तरह का क्लियरिटी हमें देखने नहीं मिल रहा है, ओके सा दिखता है। अब थोड़ा सा दूर चलते हैं, अब जो है लगभग हम लोग कैमरे से 20 फीट की दूरी पर हैं, और यहाँ पे खड़े होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका फुटेज। तो अभी आप जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे बगल में, मैं आपको दिखाता जाऊँगा साथ ही साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपना। अभी आप देख पा रहे होंगे अब बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा चेहरा यहाँ पे, एक बार और एंड में चलते हैं छत के। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे कैमरे से अब हम लोग जो है लगभग, एक बार कैमरे दिखाइएगा कहाँ पे रखा हुआ है एक बार इधर से आप, तो आपने देखा कैमरे कितने दूर में हमने लगा रखा है और हम लोग कितने दूर है। लगभग हम अभी 60 फीट की दूरी पे कैमरे से जरूर है, 60 से 70 फीट की दूरी पे। अगेन मैं बोलूँगा क्लियरिटी मुझे उतना पसंद बिल्कुल नहीं आया, आगे नाइट में देखते हैं। अब देख पा रहे हैं मैंने जैकेट पहन लिया है, टोपी पहन लिया, कैमरा पहुँच चुका है, अब मैं पहुँचता हूँ। चलिए तो आप नहीं देख पा रहे दोस्तों कि मैं पहुँच चुका हूँ छत पे, कैमरा ऑन है और यहाँ पे ये जल रहा है, आप देख पा रहे होंगे रेड कलर का दोनों IR जल रहा है, लाइट अभी बंद है क्योंकि लाइट हमने बंद रखा है। तो सबसे पहले तो इसे उसी लोकेशन पे लगाएंगे जहाँ पे सुबह हमने टेस्ट किया था, तो चलिए आइए साथ में लगाते हैं। तो देख रहे दोस्तों जहाँ पे हमने सुबह टेस्ट किया था इस कैमरे का व्यू, वहीं पे हमने कैमरे को लगा रखा है। अब हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल पे और जो ऐप है मैं उसे ओपन करता हूँ और देखेंगे हम लोग किस तरह का व्यूज़ हमें मिलता है फ़िलहाल अभी। तो कैमरा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा ऑनलाइन है, पे आप यहाँ व्यू देख पा रहे होंगे, HD में व्यू है अभी ये, और सेम उसी लोकेशन का है जो मैंने आपको दिन में दिखाया था। तो यहाँ आप देख रहे हैं नीचे एक कार यहाँ से जा रही है अभी, तो जो क्लियरिटी है वो अब आपको समझ में आ रहा होगा, कार कुछ इस तरह का दिखेगा। और एक अभी यहाँ से बाइक पार हुआ है, तो आप देख रहे हैं साथ में बाइक पार हुआ, तो कुछ इस तरह का क्लियरिटी है। मैंने आपको सुबह भी बताया कि हाँ अगर आपको एरिया कवर करना हो, एरिया देखना हो, उसके लिए ठीक है। बिल्डिंग वगैरह देखिए बहुत ही क्लियर दिख रहा है, एक्टिविटी आपको समझ में आ जाएगा, नाइट में भी इसका विज़न बहुत तगड़ा है। और अभी मैं आपको एक बार दिखा दूं कि ये लाइट ऑफ है। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे ये जो व्यू था ये IR के थ्रू था, अब मैं इसका फ्लैश लाइट ऑन करता हूं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका व्यूज़ कैसा आता है। तो यहां पे दोस्तों मैंने इसका कलर लाइट मोड ऑन कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे कितना शार्प लाइट ये दे रहा है, और इसको अब हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो मैंने सेम लोकेशन पर रखा है, और उस समय ब्लैक एंड वाइट में ये दिखा रहा था पिक्चर आपको, ये आपका कलर लाइट मोड नहीं था,
और अभी आप देख रहे हैं ये कलर मोड में गया हुआ है। कलर में ये इस तरह का कुछ फुटेज आपको देगा और इसका जो कलर विज़न है दोस्तों सही में बहुत ही बढ़िया है। तो ये कुछ क्लियरिटी आता है, आप देख पा रहे हैं बहुत क्लियर आ रहा है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है कैमरे में। अब हम लोग दोस्तों इसे वहाँ लगाएंगे जहाँ से हम लोगों ने छत के ऊपर नज़दीक से व्यू लिया था, तो चलिए एक बार वहाँ भी लगा के इसे देखते हैं। तो दोस्तों इसकी जो लाइट है काफ़ी शार्प लाइट है। मैं अभी अपने छत पर खड़ा हूँ और उस कॉर्नर में जो सामान रखा हुआ है एक एक सामान मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और लाइट तो मतलब क्या बताऊँ, लाइट के लिए ही आप लगा लो इसे कैमरा जैसा भी होगा लाइट के लिए आप लगवा लो। तो चलिए मैं अभी यहाँ सेम जगह से जो सुबह हम लोग यहाँ पे फेस देख रहे थे, तो कलर मोड में अभी लाइट इसका जल रहा है और ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी आप देख पा रहे होंगे दोपहर से तो ज़्यादा अच्छा अभी नज़र आ रहा है और पूरा क्लियर चेहरा अभी मेरा यहाँ पे कैप्चर हो पा रहा है। कैमरे से करीब मैं 10 फीट की दूरी पे हूँ। अब रेंज को आगे बढ़ाते हैं, आइए धीरे धीरे। तो दोस्तों भी आप देख पा रहे होंगे मैं लगभग जो है यहाँ पे 25 से 30 फीट पे आ चुका हूँ कैमरे से। तो देखिए यहाँ पे इतने दूर आने के बाद नहीं समझ में आ रहा, अब तो ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि इतने दूर में ये समझ में नहीं आ रहा है। एक बार एंड में चलते हैं, हाँ ये दिख रहा है कि मैं हूँ यहाँ पे, बट अजीब सा आ रहा है। एक बार एकदम एंड पे आके देखते हैं क्वालिटी कैसी है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे मैं जो हूँ अपने छत के एंड बाउंड्री पे खड़ा हूँ। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है और करीब कैमरे से मैं 70 फीट की दूरी पे अभी तो हूँ खड़ा। और अभी जो यहाँ पे मुझे क्लैरिटी मिल रही है, छत तो एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है नो डाउट, लेकिन जो मैं हूँ जूम करके जब मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अजीब सा दिख रहा है। तो फाइनली मेरा मकसद था आपको दिखाने का कैमरा का रेंज कैसा है। तो अभी हम लोग कलर विज़न में यूज़ कर रहे थे, जब भी कैमरे को आप कलर विज़न में यूज़ करेंगे तभी उसका लाइट जलेगा। इंफ्रारेड मोड अगर ऑन कर दूँ तो इसका जो IR है इंफ्रारेड LED वो जल जाएगा और जो लाइट है वो ऑफ़ हो जाएगा। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे अंधेरा हो चुका है, लाइट ऑफ हो चुकी है, पर उसके बाद जो ये फुटेज दे रहा है ये इसके IR से आ रहा है। लाइट बंद हो चुका है, एक बार आप उधर दिखा दें, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट बंद है, मगर आप वहाँ देखेंगे कैमरा हमारा जो रखा हुआ है वहाँ कहीं कॉर्नर पे कैमरा रखा हुआ है जो कि लाइट बंद हो चुका है। मैं एक बार आपको लाइट जला के दिखाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। तो देखिए वहाँ पे हमारा कैमरा है, मैं फिर से इसे IR मोड में डालता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे IR मोड में डाल दिया, लाइट जी इधर दिखाइएगा। तो यहाँ पे IR मोड में डालने के बाद जो फुटेज है काफ़ी क्लियर है। IR मोड में भी पूरा छत एकदम बढ़िया से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर कॉर्नर पे मैं शूट कर रहा हूँ वो भी दिख रहा है यहाँ पे। तो अब थोड़ी थोड़ी आगे चलते हैं और IR के अंदर भी इसकी क्वालिटी को टेस्ट करते हैं, आइए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अभी मैं 20 फीट की दूरी पर खड़ा हूँ कैमरे से और दो छोटी छोटी सी IR उसके अंदर लग रखी है और उसका जो क्वालिटी आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का आ रहा है। अब एक बार सामने चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ कैमरे से लगभग 10 फीट की दूरी पर और अभी जो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे 10 फीट की दूरी पे खड़ा हूँ। तो अब यहाँ पे आप क्वालिटी देख पा रहे होंगे कि किस तरह की क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे चलते हैं और फिर से मैं इसको कलर मोड पे डालता हूँ और बहुत शार्प लाइट ये करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कलर लाइट मोड में ये आ चुका है, गजब की लाइट है दोस्तों। मैं आपको फिर से बता दूँ बहुत हेवी बहुत शार्प लाइट है। आप देख पा रहे हैं क्लियरिटी अभी कितनी क्लियर हो गई है क्योंकि हम लोग एकदम बिल्कुल सामने खड़े हैं तो इस तरह से दिख रहे हैं। छत फिर से मैं दिखा दूं, काफ़ी अच्छा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अब जो बाकी की बातें हैं नीचे चल के करते हैं क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि क्वालिटी इसकी किस तरह की है, दिन में ये कैसा रिस्पॉन्स करता है, नाइट को इसकी क्वालिटी कैसी है, सारी चीज़ों को मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश की है जितना मैं कर पाया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैमरे में मेरा ओपिनियन क्या है। देखिए अगर आपको एरिया, अगर आपको नीचे का एरिया लेना हो, अगर आप ग्राउंड लेवल से 10-12 फीट के ऊपर ही इसे लगा रहे हैं या 15 फीट पे लगा रहे हैं तो ठीक है, एवरेज है, चलेगा। सामने अगर कोई आता है तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है। बट अगर आप इसे बहुत हाइट पे यूज़ करने वाले हैं, अगर आप 20-25-30 फीट पे चले जा रहे हैं और उसके बाद आपको नीचे का व्यू चाहिए तो वहाँ पर दोस्तों मैंने आपको दिखाई दिया इस तरह का पिक्चर आता है, पिक्चर क्लियर नहीं हो पाता है बेसिकली। हाँ अगर आपको किसी एरिया पर नज़र रखना हो, पूरा एरिया को एक साथ एक ही वीडियो में अगर आपको देखना चाहते हो तो उसके लिए ये बेटर है कि उसकी एक्टिविटी आपको मिल जाएगी। बट हाँ आपको ये मैं फिर से बता दूं कि आपने क्लियरिटी देख लिया है कि दिन में कैसा है और ये नाइट में कैसा है, इन दोनों में आपको पता चल गया है कि क्लियरिटी किस तरह का आने वाला है। जूम करने पे पिक्चर ब्लर होता है नो डाउट, और ये क्योंकि मोबाइल पे चल रहा है तो थोड़ा सा नेट का भी प्रॉब्लम आता है। बट दोस्तों यहाँ पे जो कैमरा का व्यू है वो मैं रियल टाइम व्यू आप दोनों को दिखाया हूँ, ये दोनों व्यू रियल टाइम है, ऑन स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैंने आपको दिखाया है।
तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बिल्कुल आप परचेस कर सकते हैं अगर आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है। तो ये था ऑनेस्टली ओपिनियन मेरा इस कैमरे के बारे में। कैमरा अच्छा है, नो डाउट आप परचेस कर सकते हैं, बट परचेस करने से पहले आप ये जरूर देख लें कि क्या ये कैमरा आपके पर्पस को सॉल्व करता है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में यही था दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक अगले बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, बहुत अच्छे कैमरे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और चैनल पे आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।